ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। हम लोग अपने दिनचर्या में जो ऑक्सीडेशन के इफेक्ट होते हैं और उससे जो हम लोग प्रभावित होते हैं उसके बारे में अब हम लोग स्टडी करते हैं। लेट्स सी, ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑन फूड। ऑक्सीडेशन जो है डैमेजिंग इफेक्ट दिखाते हैं मेटल्स पर और फूड पर, ऑन फूड एंड ऑन मेटल्स, दोनों को डैमेज करते हैं। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल्स इज स्टडीड एज कोरोशन। जो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स के चलते जो डैमेज हो रहा है उसे हम लोग स्टडी करते हैं किसके तहत, कोरोशन के तहत। और दैट ऑन फूड इज स्टडीड एज रैंसिडिटी, और फूड जो हमारा ऑक्सीडेशन के चलते डैमेज हो रहा है उसकी स्टडी करते हैं रैंसिडिटी के तहत। ठीक है, यानी ड्यू टू ऑक्सीडेशन हमारे को मेटल्स भी डैमेज हो रहे हैं और फूड भी डैमेज हो रहे हैं। Thus, there are two common effects of oxidation reactions which we observe in daily life. These are first corrosion of metals, pahla corrosion of metals, and second rancidity of food or rancidity of food ke chalte. Corrosion. Corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air. कोरोशन वह प्रोसेस है जिसमें कि मेटल्स जो है वो ग्रेजुअली खाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है ना, कैसे, एक्शन ऑफ एयर, एयर के एक्शन के चलते, या मॉइस्चर या अ केमिकल सच एज एसिड्स। आपका जो मेटल अगर रखा हुआ है एयर में, हवा में, और वहां पर आप मौजूद मॉइस्चर या जो केमिकल होते हैं वो अगर उस पर गिरा हुआ है जैसे कि एसिड, तो वो उसके सरफेस को धीरे 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 बर्बाद करता है ऑन देयर सरफेस। कोरोशन इज कॉज्ड मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। कोरोशन मेनली किसके द्वारा होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स के चलते, बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर, एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है इसके द्वारा। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोशन। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल है वह जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है कोरोशन का। When an iron object is left in damp air for a considerable time, it gets covered with a red brown flaky substance called rust. आप देखे होंगे अपने घरों पर जो छड़ हैं, लोहे के रॉड जो रहते हैं जिसे छड़ कहते हैं, वो देखते होंगे कि ऊपर से आपका रेड ब्राउन आपका हो गया है फ्लैकी सब्सटेंस, उसे आप हाथ से खुरेद सकते हैं, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट। ये रस्ट कैसे हो गया, वह आयरन रड हमारे को एयर में छुटा रह गया, तो वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और आयरन का रस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे ही हम लोग कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ड्यूरिंग द कोरोशन ऑफ आयरन या रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन थ्री ऑक्साइड कॉल्ड रस्ट। कोरोशन ऑफ आयरन में क्या होता है, रस्टिंग ऑफ जो आयरन होता है उसमें आपका आयरन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर में मॉइस्चर भी मौजूद होते हैं जिससे कि हम लोग वाटर मौजूद रहते हैं ना एयर में, उसे मॉइस्चर कहते हैं, और वो बनाते हैं क्या, हाइड्रेटेड आयरन थ्री ऑक्साइड जिसे कि हम लोग कहते हैं रस्ट। ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन थ्री ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए कैसे रिएक्शन होता है, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2H2O, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, अगर बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं रहे तो आपको बैलेंस करना तो आता ही है, और ये फॉर्म करते हैं मिल करके क्या, 2Fe2 O3 डॉट XH2O, यही फॉर्मूला है आपका हाइड्रेटेड आयरन थ्री ऑक्साइड का, हाइड्रेटेड आयरन, याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला, हाइड्रेटेड आयरन थ्री ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है वो याद करना होगा, 2Fe2O3 डॉट XH2O, और ये रिएक्शन भी याद रखना होगा जिसे कि हम लोग कहते हैं रस्ट। ये रस्ट फॉर्म कर जाता है आपको कहां,
उस आयरन रड के सरफेस पर, है ना। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक्स इन द रस्ट वेरीज, इट इज नॉट फिक्स्ड। एक्स जो है आपका इसलिए है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो फिक्स नहीं होता है, वो वेरी करता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो क्या है, कैसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। रस्ट इज ए सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस। रस्ट क्या होता है, सॉफ्ट होता है और पोरस सब्सटेंस होता है, यानी छोटे 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 दाने की तरह रहेंगे। विच ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट एंड देन द आयरन बिलो स्टार्ट्स रस्टिंग। जो क्या होते हैं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आपका लेयर बनता जाएगा और ये फिर रस्टिंग जब हो गया तो ये फिर गिर जाएगा और फिर निचला लेयर में शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा और धीरे धीरे पूरा का पूरा आयरन बर्बाद हो जाएगा। दस रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोशन ऑफ आयरन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। विच इफ नॉट प्रिवेंटेड इन टाइम, यदि इसे समय से नहीं रोका गया तो इट्स अप द होल आयरन ऑब्जेक्ट, यह पूरे आयरन ऑब्जेक्ट को बर्बाद कर देता है। कौन, रस्टिंग। रैंसिडिटी। ऑक्सीडेशन ऑल्सो हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। ऑक्सीडेशन जो है वो फूड को भी डैमेज करता है, जिस फूड में आपको फैट्स और ऑयल्स रहते हैं। When the food materials prepared in fats and oils are kept for a long time, they start giving unpleasant smell and taste. यदि आप कोई फूड बना रहे हैं और वो फैट्स या ऑयल्स में बना हुआ है, तेल में तला हुआ है या डालडे में छाना हुआ है या रिफाइन में बना हुआ है या घी में बना हुआ है और उसे लंबे समय तक छोड़ दीजिए, एक दिन दो दिन तीन दिन, तो देखिए उससे दुर्गंध आने लगती है ना, खराब बदबू आने लगता है, यानी अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, और अगर उसे खाएंगे तो मुंह का स्वाद भी खराब हो जाएगा। द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स विच गिव अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट आर सेड टू हैव बिकम रैंसिड, सावर और स्टेल। और ये जो फैट और ऑयल जो फूड में था जिसके चलते यह हमारा अनप्लीजेंट स्मेल आ रहा है और ये जो टेस्ट खराब हो गया है, इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, रैंसिड कहते हैं, जिसमें कि क्या होता है, फूड खट्टा हो जाता है, सावर हो जाता है। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। और ये जो हम लोग ऑक्सीडेशन होता है ऑयल और फूड्स का, जिसको कि हम लोग पहचानते कैसे हैं, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट से, जिसको कि हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स व्हिच हैव बीन केप्ट फॉर अ कंसीडरेबल टाइम एंड मेक देम अनफिट फॉर ईटिंग। रैंसिडिटी से क्या होते हैं, फूड बर्बाद हो जाते हैं, जो कि फैट्स और ऑयल्स से बने हुए फूड होते हैं, जैसे आपका समोसा, आपने चिकन बनाया वो है ना, वो सब क्या है, आपको तेल में बन रहे हैं, या आपकी सब्जियां हैं, है ना, वो कुछ समय के बाद स्पॉइल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रैंसिड फूड आर दैट इट गिव्स आउट अनप्लीजेंट स्मेल एंड ऑल्सो हैज एन अनप्लीजेंट टेस्ट। और हम लोग रैंसिड फूड को पहचानते कैसे हैं, ड्यू टू अनप्लीजेंट स्मेल, उसमें से दुर्गंध आती है और उसका अनप्लीजेंट टेस्ट, खाने में उसका स्वाद भी है जो खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। The development of rancidity of food can be prevented or retarded, slowed down in the following way. हम लोग इस rancidity of food को रोक सकते हैं, कुछ तरीका है कि कुछ समय तक उसे बर्बाद होने से बचा सकते हैं। कैसे? First, rancidity can be prevented by adding antioxidants of foods containing fats and oils. पहला तो कि हम उसे foods को, हम लोग जो ऑक्सीडेशन होगा उससे हमको उसको बचाना है, यानी उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें तो वो हमारे को ऑक्सीडेशन से बचेगा और वो थोड़ा लंबा समय तक खराब नहीं होगा, रैंसिड नहीं होगा। एंटीऑक्सीडेंट इज ए सब्सटेंस और केमिकल विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, एक सब्सटेंस है या एक केमिकल है जो कि फूड को ऑक्सीडेशन होने से रोकता है।
एंटीऑक्सीडेंट्स आर एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वास्तव में। व्हेन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स, जब फूड्स के साथ एड किया जाता है, देन द फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन देम डोंट गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली एंड हेंस डोंट टर्न रैंसिड, सो द फूड रिमेंस गुड टू इट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम। जब कोई एंटीऑक्सीडेंट सबस्टांस किसी में डाल दिया जाता है जिसमें कि आपको फैट्स और ऑयल्स है, तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन होने नहीं देते हैं। द टू कॉमन एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन फूड्स टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रैंसिडिटी आर BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एंड BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ये दो हमारे को कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एक है हमारा BHA, BHA का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा है BHT, जिसका कि फुल फॉर्म है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये दोनों क्या है? एंटीऑक्सीडेंट हैं, जिसे कि फूड में डाला जाता है ताकि लंबे समय तक खराब ना हो। सेकंड, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। दूसरा, हम लोग जो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड है उसे इस तरह से पैकेज करते हैं कि वो नाइट्रोजन गैस के अंदर बंद रहे, ठीक है। When the packaged food is surrounded by an unreactive gas nitrogen, यदि कोई packaged food जो है वो हमारे को surround हो unreactive gas nitrogen से, there is no oxygen of air, और वहां पर कोई oxygen नहीं है air के वहां पर मौजूद, to cause its oxidation, जिसके चलते कि oxidation हो, and make it rancid, तो वो को rancid करे, बर्बाद करे, तो वहां पर कोई oxygen नहीं रहता। जैसे कि आप बहुत सारे पैकेज्ड फूड खाते हैं ना, तो वो पैकेज्ड फूड रहता है तो उसमें से क्या रहता है? ऑक्सीजन निकाला रहता है और उसे नाइट्रोजन उसमें डाला रहता है, तो ऑक्सीजन के अब्सेंस के चलते आपको वहां ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक अनरिएक्टिव गैस है। द मैन्युफैक्चरर ऑफ पोटैटो चिप्स, आप पोटैटो चिप्स खाते हैं है ना, लेज का चिप्स खाते हैं बड़े मजे से, एंड अदर सिमिलर फूड प्रोडक्ट्स, और भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स, fill the plastic bags containing chips with nitrogen gas to prevent the chips from being oxidized and turn rancid। उसमें क्या रहता है? उसमें से ऑक्सीजन निकाला रहता है और नाइट्रोजन गैस फिल किया रहता है और उसे पैक किया हुआ रहता है, इसीलिए देखते हो पूरा फूला रहता है ना, क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस है, और वो नाइट्रोजन गैस क्या है? वो अनरिएक्टिव गैस है, वह आपको उसमें मौजूद चिप्स को बर्बाद होने नहीं देता है। Rancidity can be retarded by keeping food in a refrigerator। और हम लोग rancidity से बचा सकते हैं कैसे? Food को refrigerator में रखेंगे है ना, low temperature पर। Rancidity can be retarded by storing food in airtight containers, या airtight containers में भी रख करके हम लोग rancidity होने से बचा सकते हैं। Rancidity can be retarded by storing foods away from light, और light से भी दूर रख करके हम लोग बहुत हद तक फूड को बर्बाद होने से बचा सकते हैं।